मीना ये लो, निधि तैयार हुई, लड़के वाले आते ही होंगे। जी तैयार हो रही है। गुड। भाई समोसे तो बहुत बढ़िया हैं, लड्डू भी बहुत अच्छे हैं, पापा लीजिए ना। अरे बिल्कुल बेटा, लड्डू तो मेरी कमजोरी है। बाय द वे लड़की नहीं दिख रही। जी वो आ रही है, आप लीजिए ना। ये है मेरी बहन निधि। इसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और खाना बनाने में इसका जवाब नहीं। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर व्यवहार की बात करें तो ठीक रहेगा। क्या है कि मेरे बेटे के लिए एक से एक महंगे रिश्ते आ रहे हैं, कोई 6, कोई 7 तो कोई 8 लाख। निधि तुम कचौड़ियां नहीं लाए, जाओ ले आओ। हाँ तो भाई साहब, वैसे तो हमने सोचा था कि हम 8 ही लेंगे, मगर लड़की अच्छी है इसलिए सोचते हैं कि 8 की बजाय 6 में सौदा पक्का कर दें। मगर 6 लाख रुपए में। समझ गए, आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए वक्त लगेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखिए, मार्केट में अच्छी चीजें बहुत ज्यादा नहीं रुकती। चले नमस्ते। नमस्ते। गुड न्यूज भैया, गुड न्यूज। भाभी मैंने जो प्री मेडिकल का एग्जाम दिया था ना, उसमें मैं पास हो गया हूँ। अब सिर्फ फीस भरने के 2 लाख रुपए देने हैं, उसके बाद मैं भी MBBS में एडमिशन पा लूंगा। मैं भी ये खबर अपने दोस्तों को सुना के आता हूँ। और 2 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? वो PF और FDR है ना, उनसे कर लीजिए। मीना उन सबका मिलाकर सिर्फ 2.5 लाख रुपया बनता है, और इतने रुपए में मैं क्या क्या करूँ और कैसे करूँ? देखिए दहेज तो देना ही पड़ता है, जो मजबूरी और लाचारी में देख रही हूँ, मुझसे ये सब देखी नहीं जाती। लेकिन ये सब मैं पहले भी देख चुकी हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो पिताजी के चेहरे पर थी और अब तुम्हारे चेहरे पर है। May I come in, sir? Come in. सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, बैठो। थैंक यू सर। मुझे लोन चाहिए सर। लोन? हाँ मिल जाएगा, कितने का? 6 लाख रुपए। 6 लाख? ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल मेरी बहन की शादी कंफर्म हो गई है। मुबारक हो। थैंक यू सर। लड़के वालों ने दहेज में 6 लाख रुपए मांगे हैं। दहेज? क्या तुम्हारी बहन अपाहिज है? नहीं सर। क्या वो पागल है? उसे जेलने का मुआवजा? प्लीज सर ऐसा मत कहिए। क्या वो मनहूस है? उसके जाने से ससुराल की आमदनी बंद हो जाएगी, तो अभी से दाना पानी? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल हमारे देश में बहन बेटे की शादी में लेन देन पुरानी प्रथा है। इससे पहले कि ये प्रथा तुम्हारी कमर तोड़ दे, तुम इस प्रथा को तोड़ दो। तोड़ दो ऐसे रिवाज को जो दहेज लेने और देने में विश्वास रखते हैं। 19-20 की उम्र में बहन को बोझ समझकर शादी करवा के अपाहिज करने से बेहतर है उसे अपने पैरों पर खड़ा करो, उसे हायर एजुकेशन दिलवाओ। लेकिन सर, संजीव समझने की कोशिश करो। उधार लेकर अपनी बहन को नर्क में धकेलने से बेहतर है तुम अपनी जमा पूंजी से उसे आगे पढ़ाओ, जिससे जिंदगी में वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, जरूरत पड़ने पर अपने पति का हाथ बटा सके। Thank you.
भैया भैया क्या आप भी चलो। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ निधि को IAS एग्जाम्स में टॉप करने के लिए, और उनके परिवार वालों को भी, क्योंकि उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। इस खुशी के मौके पर मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई राजन के साथ निधि की सगाई हो रही है। सो राजन एंड निधि फैमिली प्लीज कम ऑन द फ्लोर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? विश यू ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन संजीव। शुक्रिया, वेल डन। लेकिन ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। और तो और सर, निधि ने जीत की मेडिकल की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। शाबाश निधि, कौन कहता है बेटी बोझ होती है, मौका मिलने पर वो बोझ उठा भी लेती है। बिल्कुल सर। सर आपसे एक गुजारिश है। कहो। मुझे लोन की जरूरत है। अब भी? जी सर, दरअसल मेरी शादी के वक्त मेरे पिताजी ने मीना के पिताजी से दहेज लिया था, मैं उसे लौटा देना चाहता हूँ। बड़ा ही नेक ख्याल है भैया। सही है। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। आइए इस सामाजिक बुराई को हम मिलकर खत्म कर दें। ये है मेरी बहन निधि, इसने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर व्यवहार की बात करें तो ठीक रहेगा। लड़की अच्छी है इसलिए सोचते हैं कि 8 की बजाय 6 में सौदा पक्का कर दे। लड़के वालों ने दहेज में 6 लाख रुपए मांगे हैं। दहेज? क्या तुम्हारी बहन अपाहिज है? नहीं सर। क्या वो पागल है? ऐसी बात नहीं है सर, दरअसल हमारे देश में बहन बेटे की शादी में लेन देन पुरानी प्रथा है। तोड़ दो ऐसे रिवाज को जो दहेज लेने और देने में विश्वास रखते हैं। 19-20 की उम्र में बहन को बोझ समझकर शादी करवा के अपाहिज करने से बेहतर है उसे अपने पैरों पर खड़ा करो, उसे हायर एजुकेशन दिलवाओ। उधार लेकर अपनी बहन को नर्क में धकेलने से बेहतर है तुम अपनी जमा पूंजी से उसे आगे पढ़ाओ, जिससे जिंदगी में वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके, जरूरत पड़ने पर अपने पति का हाथ बटा सके। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। आइए इस सामाजिक बुराई को हम मिलकर खत्म कर दें। क्या है कि मेरे बेटे के लिए एक से एक महंगे रिश्ते आ रहे हैं, मगर लड़की अच्छी है इसलिए सोचते हैं कि 8 की बजाय 6 में सौदा पक्का कर दे। दहेज? क्या तुम्हारी बहन अपाहिज है? नहीं सर। क्या वो पागल है? ऐसी बात नहीं है सर। तोड़ दो ऐसे रिवाज को जो दहेज लेने और देने में विश्वास रखते हैं। 19-20 की उम्र में बहन को बोझ समझकर शादी करवा के अपाहिज करने से बेहतर है उसे अपने पैरों पर खड़ा करो, उसे हायर एजुकेशन दिलवाओ। दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। आइए इस सामाजिक बुराई को हम मिलकर खत्म कर दें।